अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जो गलती करने की उम्मीद तुम मुझसे लगाए बैठी हो वो गलती बहुत जल्द तुम करोगी और खुद को सबकी नजरों में गिरा लोगी। What is this, यार? आप में से किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं है और ना ही मेरे बनाए हुए खाने पर। सुबह से मैं आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतनी पसीने बस इधर आओ। तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। एक और बात, जो पति लोग होते हैं ना, इनके दिल का रास्ता इनके पेट से होकर जाता है। बस तुम्हें ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाना है और राज को खिलाना है, फिर देखना तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। और श्रुति, तुमने बनाया इतना सारा खाना और तुम्हें मिल गया आलू गोभी भरता पालक ना बनाने का बहाना। पर बेटा खाना तो बनाना पड़ेगा रोज, इसी बात पे ले आओ इस पिज्जा के लिए टोमेटो सॉस। वाह 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 वाह, खाइए। वेरी फनी। आखिर बात क्या है, देवा ने ऐसा क्यों किया? हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फालतू में बौखला गए हम, सबके सामने अपना तमाशा बना दिया। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं। पता है क्या, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे बेचैन देख करके। देखो क्या है ना, राज का काम तो मैं अपने तरीके से तमाम कर दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कोई तो बात है, कोई तो राज है ना? क्या हुआ रेवा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने किसी दुखती नस पे हाथ रख दिया क्या? मैं कह रही थी ना, मेरा दिल कह रहा था कि कोई तो राज जरूर है जो तुम राज को बचाने के लिए इस हद तक चली गई। क्यों? अब बता भी दो क्या बात है, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सच्ची आओ बताओ। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले कश्मीरा दी, हमें अपनी बातों में नहीं उलझा सकती। श्रुति दीदी अपने पति से बहुत प्यार करती है, उनकी जान बसती है उनमें, तो उनकी खुशियां बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम वो करेंगे। आपको सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है हमें। और वैसे भी हमसे तो आप बिल्कुल नहीं जीतने वाली। वो तो हम बाद में देख लेंगे, आपस की बात है ना, देख लेंगे। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही,
श्रुति जो खुद राज की पत्नी है वो तक जहर ना खाए, फिर तुम क्यों? तुम तो मेरे ख्याल से सिर्फ उसको हफ्ते भर से जानती हो ना, और तुम उसके मरने के लिए भी तैयार हो गई, क्यों? क्योंकि श्रुति दीदी हमें अपनी बहन मानती है और हमने इस घर का नमक खाया है, इसका कर्ज उतारना हमारा फर्ज है। इस घर का नमक तो मेरी वजह से ही चलता है, तो वफादारी मेरी और भी बननी चाहिए, नहीं? चलो छोड़ो, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, निभाओ तुम अपना फर्ज, क्योंकि उसके बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। शायद तुम्हें पता नहीं है, राज को मिठाई बहुत पसंद है, और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो ना, दम है ना तो रोक के दिखाओ। कश्मीरा दीदी तो अपनी हर चाल के साथ और भी नीचे गिरती जा रही है, रोके सहरी सबको ही लड्डू खाने से कैसे? हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम्हें डरवर नहीं लगता क्या? अभी श्रुति ने ऑलमोस्ट हमें पकड़ ही लिया था, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम यहां चली आई। ले लिए ना 5 लाख, अब कम से कम 5 घंटे तो दूर रहो मुझसे। देखिए, आपको हमारी जितनी बेइज्जती करनी होगी ना आप बाद में कर लीजिएगा, अभी बस हमारी एक बात सुन लीजिएगा। शाम की पूजा से पहले आप किसी का दिया कुछ भी मत खाइएगा, हम भीख मांग रहे हैं आपके सामने, विनती कर रहे हैं आपसे, कुछ मत खाइएगा। हम पैर पड़ते हैं आपके। क्या कर रही हो ये सब, पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो, क्यों नहीं खाऊंगा मैं? और तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चाहे हमारा कोनो रिश्ता ना, पर इंसानियत का रिश्ता तो है ना हमारे बीच। हम आपके सामने विनती कर रहे हैं, किसी का भी आप कुछ मत खाइएगा, बस हमारी इतनी सी बात मान लीजिए, कुछ भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जाओ इससे पहले कोई हमें साथ में देख ले, और ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। राज को मिठाई बहुत पसंद है, और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी ना करें तो जैसा कह रहे हैं वैसा चुपचाप कर लीजिए। शाम की पूजा से पहले आपके गले से अन्न का एक भी दाना नहीं उतरना चाहिए।
देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, खा के बताओ क्या टेस्टी है। श्रुति बहुत जरूरी काम है। राज बाद में खाता। मेहनत से बनाई है राज। माय हस्बैंड माय बेबी प्लीज खा लो, इतने प्यार से बनाया है मैंने। नहीं श्रुति, अब बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज। रोमांस के नाम पे ना कुछ सोचता नहीं है तुम्हें, पर अभी नई नई शादी हुई है हमारी, कोई मानेगा? प्यार से खिला रही हो राज, खा लो ना थोड़ा सा प्लीज, टेस्ट करके तो देखो एक बार। क्या कर रही है श्रुति, बोर्ड होना भी मन नहीं है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रही है? काम है मुझे, शांति से काम कर लेने दे। राज मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, हैरान मत हो राज, मुझे दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे, सुन लिया था मैंने जब वो तुम्हें कह रही थी इसी वजह से कुछ नहीं खा रहे ना, तो क्या छुपा रहे हो राज तुम मुझसे? बोलो राज, सो सॉरी, मेरी वजह से अभी तुम मुंह के बल गिर जाती। क्या हुआ, कुछ परेशान सी दिख रही हो, कुछ ढूंढ रही हो? बताइए ना, मैं कुछ, मेरा मतलब है हम कुछ मदद करें आपकी। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? हाँ बताओ ना मुझे, हो सकता मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी। दादी वो बस वो बेल पत्र वही ढूंढ रही थी। अरे हाँ, मैं भी कब से सुपारी ढूंढ रही हूँ, सुपारी नहीं मिल रही। हाँ सुपारी भी। अरे कश्मीरा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम था बेटा, एक मदद तो कर दे मेरी, आजा। अरे आप ये लीजिए, मैं तो फूल लाना भूल ही गया, अभी आता हूं मैं लेके। साफ साफ बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बोलो! और झूठ बोलने की तो सोच रहे अभी बात। कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई बार, और तुम तो
शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें रेवा? बहन बोलती थी ना मुझे बहन, और मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा। श्रुति, बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो कर, खामखा बात का बतंगड़ बना रही है। बुरा लग गया हा? अगर मैंने इससे इस तरीके से बात करी तो तुम्हें बुरा लग गया। अगर मैं बात का बतंगड़ बना रही हूं तो कसम खाओ मेरी, ये तुम्हारे और रेवा का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। आपके मन में ऐसा ख्याल आ भी कैसे सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप चुप रहो। तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं, अपने पति से बात कर रही हूं। सुना मैंने कैसे तुमने मेरे पति को कहा, शाम की पूजा से पहले आपके गले से अन्न का एक भी दाना नहीं उतरना चाहिए। और देखो, मान ली उसने तुम्हारी बात, नहीं खाया उसने मेरे हाथ का बना हुआ कुकी। मुझे सच जानने का हक है राज। श्रुति दीदी, अगर किसी को कसम खानी है तो हम खाते हैं। तो जानती है दुनिया में हमारे लिए अगर कोई भी कीमती चीज है तो वो है हमारा सिंदूर। कहीं आप इस शादी को असली तो नहीं मान रहे? आप हमारी तरफ से अपनी जिंदगी जीने के लिए एकदम आजाद, और हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। तो हम अपने सिंदूर और अपने सुहाग की कसम खाकर कहते हैं कि हमरे और आपके पति के बीच कुछ गलत नहीं है। आप गलत सोच रही हैं श्रुति दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, हमरा यकीन कीजिए। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब भी हम मिलते हैं हम तेरी ही बात करते हैं कि कैसे तेरी आंखों में कभी आंसू ना आए, कैसे तुझे दुनिया की हर खुशी मिले, कैसे तेरी फीलिंग्स कभी हर्ट ना हो। अच्छा ठीक है, मैं ये बात मान लेती हूँ कि ये बात एकदम सच है, तुम दोनों एकदम सच बोल रहे हो। हाँ, तो तुमने वो कुकी क्यों नहीं खाई थी? बोलो, क्यों नहीं खाई राज? वो हमने ही नहीं मना किया था। हमने इन्हें इसलिए मना किया था क्योंकि हमने इनसे कहा था कि वो जो आज कागज साइन हो रहे तो अगर ये शंकरा के नाम का व्रत रखेंगे तो सब सुख सुख होगा, इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं खाया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? अब देखिए तो से नैना मिलाइके दंगल प्ले पर टीवी से पहले।